रायसेन जिले के बेगमगंज में आजाद स्कूल संघ और संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के वाहन की तर्ज पर तहसील के अतिथि शिक्षकों ने तहसीलदार एनएस परमार को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ ने स्कूल अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाकर अन्य राज्यों की तर्ज पर भविष्य सुरक्षित करने की मांग की। शिक्षक संघ ने बताया कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में विगत 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षक पूर्ण निष्ठा लगन और ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने लगातार शासन प्रशासन के लिए उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर पर पहुंचाया है। अतिथि शिक्षक अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु दर्जन बार ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार के पद स्थापित की मांग करते हैं, लेकिन आज तक प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति बनाकर ठोस कार्रवाई नहीं की गई जिससे अतिथियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। सभी जगह के अतिथि शिक्षक को परमानेंट कर दिया, हमारे इधर क्यों नहीं हो रहे? और हम लोगों की गलती क्या है जो 15-15 वर्ष से काम कर रहे हैं, इसके बाद भी ना तो कभी पूरी तनख्वाह मिलती है और उसमें से भी काट लिए जाते हैं। इसके लिए आज किसके नाम का ज्ञापन दिया? अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। आज हम लोग माननीय SDM महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को, मामा जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं और हम उनसे ये निवेदन करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि अन्य राज्यों की भांति हमारे राज्य में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। हमारा भी परिवार है, जिस प्रकार मामा जी को अपनी कुर्सी प्रिय है उसी प्रकार हम लोगों को भी अपना पद प्रिय है।